हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो पुरानी वैकेंसियाँ थी उनमें से कौन कौन सी अभी फुल हो गई और कौन सी फुल नहीं हुई है, जो ओपन है उनकी बात करेंगे। उसके अलावा जो आज वैकेंसी आई है बहरीन के लिए आ रखी है, किचन कौमी शेफ़ की, किचन क्रू जिसको बोलते हैं, उसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी वैकेंसी की वीडियो सारी आपके पास आती रहे और आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसियाँ चल रही है और कहाँ कहाँ के लिए चल रही है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ, तो ही आपके पास हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है तुरंत आएंगे, वीडियो जल्दी से आएंगे और आपको जल्दी से जल्दी हमारी वैकेंसी का अपडेट पता चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी है बहरीन के लिए, पहले उसकी बात कर लेते हैं। किचन कौमी शेफ चाहिए हमें, किचन क्रू जिसको बोलते हैं, QSR रेस्टोरेंट है, फ्राइड चिकन जहाँ पे बनता है, टेक्सास। टेक्सास आपने सुना होगा, टेक्सास एक वर्ल्ड फेमस फ्रेंचाइज ब्रांड है QSR रेस्टोरेंट्स की, उसके एक फ्रेंचाइजी हमारे क्लाइंट के पास है। उसके लिए हमें 3 किचन क्रू चाहिए, किचन कॉमी शेफ जिसको बोल सकते हैं, जिनको कटिंग चॉपिंग करना और चिकन फ्राई करना ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ से जाने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है, इंग्लिश कमिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है बेसिक में, जिससे कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो ट्रेनिंग आपको इंग्लिश में दी जाएगी, वो आपको समझ में आए और आप क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो आप सामने वाले को भी एक्सप्लेन कर सकें, तो इतनी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जो फ्रेशर पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, JT जिन्होंने की है, IT जिसने की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, फास्ट स्मार्ट लड़के हो और एज इसमें है लिमिट बिटवीन 20 टू 30, 30 से ऊपर नहीं चाहिए, 20 तो मिनिमम चाहिए वीज़ा लगने के लिए। अब आते हैं इस पर सैलरी ये लोग दे रहे हैं 150 BD प्लस 30 BD अकोमोडेशन का अलाउंस। अकोमोडेशन या तो वो करके देंगे, वो अपनी अकोमोडेशन देंगे, 50 BD सैलरी होगी। अगर अपनी अकोमोडेशन नहीं देते हैं, आपको बोलते हैं कि किसी के साथ शेयर कर लो अकोमोडेशन, तो जब आप 30 BD उसका अलाउंस देंगे। फूड कंपनी देगी और 10 घंटे का ड्यूटी होगा, वीकली 1 ऑफ होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, एक साल का वीज़ा मिलता है आपको पता होगा, कोविड से पहले 2 साल का भी मिलता था, बट अभी कोविड के बाद जब चेंज हुए तो उन्होंने 1 साल का वीज़ा कर दिया और जो फिर 1 साल बाद रिन्यू होगा। इसमें मैंने एक्सपीरियंस आपको दिया, सैलरी आपको बता दी, ड्यूटी वर्किंग डेज और ड्यूटी आवर्स कितने हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के बाद प्रोसेस टाइम इसमें लगेगा 45 टू 60 डेज, जो कि पहले 20-25 दिन में हो जाता था, कोविड के बाद वो भी लंबा हो गया है, क्योंकि उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है न्यूज़पेपर पे कि हमें ये बंदा चाहिए, फिर दिखाना होता है कि हमें यहाँ पे लोकल में ये मिल रहा है, स्टाफ नहीं मिल रहा, इसलिए हम बाहर से ही लोगों को बुला रहे हैं, तब जाकर उन लोगों को इमिग्रेशन में अप्रूवल मिलता है। किस कंपनी के लिए, वो सभी कंपनियों के लिए एक रूल है, तो 45 टू 60 डेज का लगेगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गमका मेडिकल करना होगा, गमका मेडिकल आपका तो ऑफ़र लेटर आपके लिए मंगाया जाएगा, ऑफ़र लेटर साइन करेंगे तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद 45 डेज का टाइम करके चलिए 45 टू 60 डेज। तो ये डिटेल्स हैं बहरीन की रिक्वायरमेंट की, इस आप का प्रोफाइल सूटेबल है तो आप हमें, अदरवाइज आपके सर्कल में आपके जो लोग जो काम करते हैं या आपके रिलेटिव लोग फ्रेंड सर्कल में उनके साथ शेयर कर रिक्वायरमेंट ये वीडियो, और अदरवाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, किसी का भला आएगा और भी रिक्वायरमेंट से जल्दी क्लोज जो ज़रूरतमंद है उन तक ही पहुँच जाए और रिक्वायरमेंट हो जाए। ये होगी बहरीन की रिक्वायरमेंट की बात, जिसमें लगभग मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बात करते हैं जो हमारे पास अदर वैकेंसी, पहले की वैकेंसी थी उनमें से कौन कौन है और कौन सी क्लोज हो गई है। पहले बात करते हैं हम लोग सऊदी की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमें अभी भी हेड देख रहे हैं, जो अच्छी ब्रांड के रेस्टोरेंट्स में जो फ्यूजन इंडियन किचन चलता है वहाँ पे काम किया हो, जैसे फर्जी का गया, इंडियन एस गया,
कई सारे रेस्टोरेंट्स का मैंने उसमें नाम भी दे रखा है, वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पर, मैंने सारे रेस्टोरेंट्स का नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, वैसे भी बता रखा है। और मॉडर्न इंडियन क्विजन का शेफ चाहिए, उसके अलावा बाकी की टीम का भी फिर उसके बाद ही इंटरव्यू करेंगे, उसमें टीम तो पूरी चाहिए, एफएमबी सर्विस की, किचन प्रोडक्शन की सारी टीमें चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट ओपन है गुयाना, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद उसका जो हेड शेफ है शेफ उसका क्लोज होगा, बिरयानी शेफ हमारा सेलेक्ट हो चुके हैं, हलवाई का भी हम लोग मंडे को ट्रायल करेंगे शायद, हेड शेफ का भी करेंगे, और पिज़्ज़ा मेकर का भी ट्रायल होगा शायद, अगर पिज़्ज़ा मेकर वाले अगर हो जाता है तो। गुयाना की है, उसमें कौमी चाहिए, कौमी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस वाले, 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले कौमी चाहिए, बट साथ में उनको सारा काम करना पड़ेगा, जैसे कि डिश वॉश होता है, डिश वॉश वहाँ मशीन से होती है, प्लेटें जो वॉश होती हैं तो वॉश करने भी होगा, उनमें हेल्प कटिंग का और जो कौमी का काम हो करना होगा, ऐसे काम के लिए कोई है तो 35-40 हज़ार मिल जाएगी, फूड एकोमोडेशन कंपनी का है। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट होता है, सैलरी सबका, बस जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, जिसकी नॉर्मल होगी उसको नॉर्मल इंक्रीमेंट होगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल आप कंप्लीट करते हो तो 3 साल के बाद आपको कंपनी आने का फ्लाइट का टिकट देती है, और हाँ दैट्स इट, आने जाने का टिकट, फिर दोबारा आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल अगर जो 35,000 में ज्वाइन करेगा, मैं कम ये बोल सकता हूँ 50,000 तो 3 साल में वो पहुँच जाएगा, 50,000 तक की सैलरी में पहुँच जाएगा मिनिमम। तो ये रिक्वायर है, पीजर की जो होगी मेकर की से 50,000 हलवा सेम सैलरी होगी, और बिरयानी से हमारा क्लोज हो चुका है, ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा हाँ, सोफ़ा मेकर चाहिए, टेलर चाहिए उसमें, और जो पर्दे बनाने वाले चाहिए, ऐसे में भी आपके जानकारी में कोई है तो भी वीडियो शेयर कर दीजिए, उसमें भी जो सोफा में कर रहे हैं उनके भी 50-55 हज़ार सैलरी होगी, और जो टेलर कटिंग मास्टर है उसकी 70-75 के बीच में होगी, और जो कटर होगा उसकी भी 50-60 के बीच में सैलरी होगी, ये सारी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक बेकरी हेडशेफ उसमें हमें चाहिए था, बेकरी हेडशेफ की जो सैलरी होगी 1 लाख, बेकरी पेस्ट्री सॉरी पेस्ट्री हेडशेफ चाहिए, जिसको कि 3D फोंडेंट केक में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एकदम यूनिक हो, तो 1 लाख सवा तक सैलरी आराम से जा सकती है, बहुत अच्छा होगा तो 1.5 लाख तक भी सैलरी मिल सकती है, बट वो क्वालिटी के ऊपर है, उनका जो फोन केक वगैरह बनाए हैं 3D केक, फोंडेंट केक की डेकोरेशन भी, पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे, उसके बाद ट्रायल के लिए घर में बुलाएंगे, उस सैलरी का डिसीजन होगा, मिनिमम 1 लाख, 1 लाख से 125, 120 और 150 तक भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा होने पर। ये है गुयाना की। बाद साउथ इंडियन नीदरलैंड की रिक्वायरमेंट अभी क्लोज नहीं हुई है, उस साउथ इंडियन शेफ चाहिए, बट उस सही होना चाहिए, और कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस, और 3 साल की सिस्टम डिग्री नीदरलैंड ने भी कंपलसरी, पहले जो लोग डिप्लोमा वहाँ चले गए अच्छा, बट अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से नीदरलैंड का वीज़ा रूल चेंज हो गया, डिग्री कंपलसरी कर दी है, HM डिग्री 3 साल की चाहिए, उसके अलावा 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ के लिए, अभी इमिग्रेशन ने ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दी। तो वहाँ साउथ इंडियन रिक्वायरमेंट अभी भी ओपन है, इसके अलावा बेल्जियम के लिए साउथ इंडियन शेफ की वैकेंसी ओपन है, और बेल्जियम के लिए वेटर्स, फीमेल वेटर्स थी उसकी वैकेंसी भी अभी ओपन है, वो भी क्लोज नहीं हुई है। उसके अलावा न्यूजीलैंड का मैक्सिकन शेफ की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी अभी क्लोज नहीं हुई है, उसका 1st week September का जो में आ रखे हमने, उनमें से इंटरव्यू करेंगे। और उसके अलावा की जो इंडियन शेफ की थी उसमें तो रेट कम था, और वो भी अभी क्लोज नहीं हुई है, तो उसका रेट कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल भी मैंने मैसेज किया था, वो बोले कि 1-2 दिन में कॉल करता हूँ, फिर हो गए बिजी हूँ, अगर उसमें कुछ बात बनेगी तो उसका भी मैं वीडियो बना के ज़रूर यहाँ पे अपडेट करूँगा, आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। बहुत सारे लोग थोड़ा कम करते तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं, हम जैसे बट लेक्सी क्या होता है, मैं तो बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ, अभी क्लोज है। उसके अलावा UK की वैकेंसी भी अभी ओपन है, और इंडियन तंदूर शेफ की UK के लिए जो है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडियन तंदूर की है वो भी ओपन है, इन दोनों में ही आई सी होता है, जो चाहिए होता है 5 सी होता है, 5 बैंड से कम किसी भी में भी नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो UK के लिए होता है UKI से आई से होना चाहिए, 4 बैंड कम से कम हो किसी में भी, उससे 4 से कम भी स्कोर ना हो, तो
अपने व्हाट्सएप ग्रुप कर दीजिए, जो जिसकी ऐसी जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं उनका वीडियो, क्या पता किसी हो जाए को भी मिल जाए भलाई करने, मेरी भी रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, जल्दी नई वैकेंसी डिटेल्स लेके आऊँगा, नई वैकेंसीज लेके आऊँगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय देवभूमि, जय।